हेलो स्टूडेंट्स, आई भाग्यश्री गोस्वामी फ्रॉम हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। सब्जेक्ट कोड इज़ BP607P विच इज़ फ्रॉम बी फॉर्म थर्ड ईयर। टुडेज एम इज़ टू प्रिपेयर ट्राई फिनाइल इमिडाजोल फ्रॉम बेंजिल। आज हम प्रैक्टिकल का वीडियो देखेंगे जिसमें हम ट्राईफिनाइल इमिडाजोल बनाएंगे बेंजिल से। ये आज हमारे प्रैक्टिकल का एम होगा। उसके बाद हम रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसी रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगा उसके अंदर, कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे ट्राईफिनाइल इमिडाजोल। तो सबसे पहले बेंजील हम लेंगे, मतलब बेंजील जो होगा वो अमोनिया और बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो मतलब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिफ्लक्स के लिए लगाएंगे 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट 2,4,5 ट्राईफिनाइल इमिडाजोल बन जाएगा। ये नॉर्मल साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में बेंजीन, बेंजल्डिहाइड और अमोनिया लेते हैं, फिर रिफ्लक्स पे लगा देते हैं और फिर उसके बाद में ये उनकी सिंथेसिस होती है। 3 घंटे तक हम इसको रिफ्लक्स लगा के रखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ये 2 स्टेप में अपना रिएक्शन कंप्लीट करती है। सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट स्टेप, डाई कीटोन एंड अमोनिया रिएक्ट टू फॉर्म डाई इमीन डेरिवेटिव। मतलब डाई कीटोन जो होंगे, जिसमें हमने बेंजील लिया है, वो क्या करेगा, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा और डाई इमीन डेरिवेटिव बना देगा। जब डाई इमीन डेरिवेटिव बनाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, NH ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डाई इमीन कंडेंसेस विद एल्डिहाइड टू फॉर्म इमिडाजोल डेरिवेटिव। इसमें डाई इमीन जो होता है उनका कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ये जो स्टेप होगा उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन किसके साथ में होगी, एल्डिहाइड के साथ में होगी। हम यहाँ पे एल्डिहाइड जो ले रहे हैं वो बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी जो कि 2,4,5 ट्राईफिनाइल इमिडाजोल होगी। फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और सेकेंड स्टेप में 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये हमारी सिंथेसिस कंप्लीट होगी। इसके बाद हम प्रिंसिपल की बात करें। प्रिंसिपल क्या होता है, द डिबस रिडिस्क्विस की इमिडाजोल सिंथेसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू फॉर्म द सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल फ्रॉम अ डाई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एल्डिहाइड अमोनिया। ये जो रिएक्शन होती है वो डिबस रिडिस्क्विस की इमिडाजोल सिंथेसिस है। इस रिएक्शन को मेनली हम इमिडाजोल के सिंथेसिस में ही यूज करते हैं, जो कि डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और अमोनिया से सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये डिबस रिडिस्क्विस इमिडाजोल सिंथेसिस होती है और उसके बाद इसमें डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और अमोनिया इसमें यूज होता है। द डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इज कॉमनली यूज आर ग्लाइकोसल बट कैन ऑल्सो इंक्लूड वेरियस 1,2 डाई कीटोन एंड कीटो एल्डिहाइड। यहाँ जो हम डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं वो ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो ग्लाइकोसल लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 1,2 डाई कीटोन या फिर कीटो एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। दिस मैथड इज यूज कमर्शली टू सिंथेसाइज वेरियस इमिडाजोल डेरिवेटिव। ये जो मैथड होता है कमर्शली ज़्यादातर यूज किया जाता है कि बहुत सारी इमिडाजोल जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए। दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम, ये मतलब ये एग्जाम्पल है कि हम इससे मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन कर सकते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से, मतलब केमिकल्स और एपरेटिस की रिक्वायरमेंट होती है, हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं। तो सबसे पहले है बेंजील, बेंजल्डिहाइड, अमोनिया, अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। एपरेटिस में जो हम यूज करते हैं वो है कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, बकनर फनल, अमेजिंग सिलेंडर और फिल्टर पेपर, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं। टेक अ 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। हम 2 ml क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, जिसको हम RBF भी बोलते हैं। डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ बेंजिल इन स्मॉल पोर्शन विद कंटिन्यूस स्टरिंग।
हम 1 ग्राम बेंजिल लेंगे और उसको छोटे छोटे मतलब कुछ कुछ टाइम बाद में हम उसको क्या करेंगे, डालेंगे और हम जो स्टीयरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। नाउ एड 2 ml ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम एसीटेट वन बाई वन विथ प्रॉपर स्टीयरिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ml बेंजल्डिहाइड लेंगे और 1 ग्राम अमोनियम एसीटेट लेंगे। उसको एक के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको डालते रहेंगे और उसकी स्टीयरिंग कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू द स्टीयरिंग फॉर एडिशनल 5 मिनट्स अंटिल द ऑल द सॉलिड डिजोल्व। अब हम जो उसमें 5 मिनट तक हम क्या करेंगे, उसको स्टीयरिंग रखेंगे जिससे कि जितना सॉलिड जो पार्टिकल है वो डिजोल्व हो जाए। तो हम स्टीयरिंग हमने कंटिन्यू रखी। देन फिट अ रिफ्लक्स कंडेंसर टू द RBF एंड कंटिन्यू टू हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिफ्लक्स फिट कर देंगे RBF में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे और वो भी 3 घंटे तक करेंगे। ये इसका प्रोसीजर है। आगे हम इसकी वीडियो से हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अमोनियम एसीटेट हम लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हम लेंगे, फिर हम बेंजील लेंगे, और हम एसिटिक एसिड लेंगे जिसको हम ग्लेसियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये इसके केमिकल्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे केमिकल्स ले लिए और हमने जितनी हमें वेइंग करना था वो हमने ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजील डालेंगे, एसिटिक एसिड, सॉरी, हमने एसिटिक एसिड लिया। हम यहाँ पे पीपेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे। एसिटिक एसिड को हमने RBF में लिया है। RBF में लेने के बाद में उसके बाद में हम बेंजील लेंगे, जिसको बेंजील को हमने पहले से वे करके रखा हुआ है। हम इस स्पैचुला की हेल्प से बेंजील लेंगे। हमने थोड़ा सा बेंजील डाला, उसके बाद हम इसकी स्टीयरिंग करेंगे। हम इसकी जो स्टीयरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा बेंजील और डालेंगे, फिर हम स्टीयरिंग करेंगे। हमने थोड़ा बेंजील और लिया। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बेंजील लेके और हम इसकी कंटिन्यूस स्टीयरिंग करेंगे। हमने RUF में ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूस स्टीयरिंग करते रहेंगे। इसकी स्टीयरिंग हम कंटिन्यू रखेंगे।
हमने शेयरिंग कंटिन्यू रखी, ठीक है, हम इसको जब तक स्टेयरिंग करते रहेंगे जब तक कि इसका सॉलिड जो पार्ट है वो डिसॉल्व ना हो जाए। देख रहे हैं सॉलिड पार्ट पूरा डिसॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम अमोनियम एसीटेट डालेंगे। हमने अमोनियम एसीटेट डाल दिया, फिर से हम इसकी स्टेयरिंग करेंगे और इसकी स्टेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे हम। इसकी स्टेयरिंग हम कंटिन्यूस करते रहेंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, या जब तक अमोनियम एसीटेट डिसॉल्व हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, इसकी स्टेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे। अब हम इसमें पोर्सोलिन डालेंगे। क्यों डालते हैं हम पोर्सोलिन, कि जिससे बम्प ना करें। अब हम यहाँ पे आरबीएफ फिक्स कर रहे हैं, आरबीएफ को कंडेंसर के साथ में फिक्स कर रहे हैं। हमने पोर्सोलिन डाल दिया और इसको हम रिफ्लक्स पे लगा देते हैं। 3 घंटे तक हम इसको रिफ्लक्स करेंगे, इसकी कंडेंसेशन चलती रहेगी। ये हमने पोर्सोलिन इसलिए डाली है कि इसमें बम्प ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने 3 घंटे के बाद में हमने इसको फिल्टर कर लिया। देख सकते हो कि कितना कंपाउंड बना है इसमें। ये हमारा 2,4,5-फिनाइल ट्राइमिडाज़ोल फिल्टर आउट कर लिया। इसमें से पोर्सोलिन आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको ड्राई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। ये हमने इसका प्रैक्टिकल व्यू देखा कि कैसे हम इमिडाज़ोल को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हम यूजेस की बात करते हैं। इमिडाज़ोल डेरिवेटिव शोज वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो इमिडाज़ोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब इनकी बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है कि अब हम यहाँ पे इमिडाज़ोल डेरिवेटिव है उसकी यूजेस की बात करते हैं। इमिडाज़ोल डेरिवेटिव जो होता है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत सारी होती है। सबसे फर्स्ट एंटीफंगल एक्टिविटी और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी भी ये शो करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट में भी इनको यूज़ किया जाता है, एंटी कैंसर में भी इनको यूज़ किया जा सकता है, एंटी वायरल में भी, और एंटी लेशमेनियल जो डिजीज होती है उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम कैलकुलेशन की यहाँ पे बात करते हैं। हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया है।
हेंस यील्ड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अमाउंट टेकन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजील का होता है C14H10O2, ठीक है. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ट्राईफिनाइल का होता है C6H12N4. तो मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट हो जाएगा बेंजील का 210 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ट्राईफिनाइल इमिडाज़ोल का 296 ग्राम पर मोल, ठीक है. ये इसकी कैलकुलेशन है. थियोरेटिकल यील्ड क्या होगी, 210 ग्राम हमने बेंजील लिया जिससे 296 ग्राम ट्राईफिनाइल इमिडाज़ोल बना है. देयर फोर ये थियोरेटिकल यील्ड है. 1 ग्राम बेंजील विल फॉर्म कितना बनेगा, ये तो ट्राईफिनाइल 1.4 हो गया. तो थियोरेटिकल यील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.4 ग्राम हो गया. जो हमें प्रैक्टिकल यील्ड मिला है वो 1.2 ग्राम है. इसकी परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100. तो प्रैक्टिकल यील्ड हमारा 1.2 है और थियोरेटिकल यील्ड हमारा 1.4 है. इसको हम इनटू कर देंगे 100 से और हमारा जो जो परसेंटेज यील्ड निकलेगी वो 85.57% निकलेगी, ठीक है. रिजल्ट है द परसेंटेज यील्ड ऑफ ट्राईफिनालिमिडाज़ोल फाउंड 85.57%, ठीक है. ये हमारा सिंथेसिस हो गई ट्राईफिनाइल इमिडाज़ोल्स की. थैंक यू स्टूडेंट्स.